दोस्तों, ये नेचर और हमारी लाइफ काफी अजीब सी है। हम अपनी जिंदगी में अक्सर उन्हीं चीजों से घबराते या डरते हैं जिनके बिना हमारा जीवन ही संभव नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एसिड्स। ऐसा शायद ही कोई इंसान होगा जिसने अपनी लाइफ में एसिड के बारे में ना सुना हो, क्योंकि ये हमारी जिंदगी में हर जगह मौजूद है। जहाँ एमिनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स हमारी बॉडी के लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं, वहीं टार्टारिक एसिड, ऑक्जैलिक एसिड, एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड जैसे एसिड्स आपको हर एक खाने पीने वाली वस्तु में मिल ही जाएंगे। इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है कि इंडस्ट्रीज में होने वाले लगभग सभी प्रोसेसेस में इन्हीं एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। पर इन सबके बावजूद भी जब भी कोई एसिड का नाम लेता है तो हमें अपने आप उसके खतरे का एहसास होने लगता है। वेल, ऐसा जायज है, क्योंकि एसिड वाकई में डेंजरस होते हैं। खाने पीने की चीज में मौजूद एसिड अपनी ज्यादा मात्रा के हिसाब से खतरनाक हो जाते हैं, तो वहीं कुछ ऐसे एसिड्स भी मौजूद हैं जिनकी एक बूंद भी जानलेवा हो सकती है। ये इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं कि आम जिंदगी में इस्तेमाल किए जाने वाले खतरनाक एसिड भी इनसे कई खरबों गुना फीके साबित होते हैं। आज हम इन्हीं खास एसिड्स को आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले एसिड से कंपेयर करके उस एसिड का भी पता लगाएंगे जो अपने कॉन्टैक्ट में आने वाली लगभग हर एक चीज को खा लेता है। किसी भी एसिड की स्ट्रेंथ इस बात पर डिपेंड करती है कि वो अपने एक्वस सॉल्यूशन यानी पानी में कितनी आसानी से प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयन को रिलीज कर देता है। स्ट्रॉन्ग एसिड किसी वीक एसिड के मुकाबले ज्यादा आसानी से प्रोटॉन रिलीज करता है। एसिड की एसिडिटी को साइंटिस्ट PKa यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट के बेसिस पर मेजर करते हैं। जितनी कम इसकी वैल्यू होगी उतनी ही ज्यादा उसकी एसिडिटी होगी और उतना ही स्ट्रॉन्ग वो एसिड होगा। शुरुआत करते हैं अपनी बॉडी से। हमारे लिवर, किडनीज में निकलने वाले वेस्ट प्रोडक्ट्स में मौजूद होता है यूरिक एसिड, जो यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। इसकी एसिडिटी है करीब 5.6 की, जो साफ दर्शाता है कि ये एक काफी वीक एसिड है। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर इसकी मात्रा हमारे शरीर में कम या ज्यादा हो जाए तो ये किडनी स्टोन जैसी प्रॉब्लम्स भी दे सकता है। इसकी अमाउंट बॉडी में मेंटेन्ड होनी चाहिए। इससे लगभग 8 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिट्रिक एसिड अक्सर नींबू और संतरे जैसे कई फलों में काफी मात्रा में पाया जाता है। हर साल इसकी प्रोडक्शन क्वांटिटी 2 मिलियन टन से भी ज्यादा की होती है। इसे आमतौर पर खाने पीने वाली चीजों को बचाने के लिए यानी प्रिजर्वेटिव के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। भले ही ये एक वीक ऑर्गेनिक एसिड जरूर है, पर प्योर सिट्रिक एसिड आपको खांसी, सांस में रुकावट और स्किन प्रॉब्लम्स भी दे सकता है। इसका ओवर इंजेक्शन आपको एब्डोमिनल पेन जैसी प्रॉब्लम्स भी दे सकता है, जो आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। सिट्रिक एसिड से 67 टाइम्स मोर स्ट्रॉन्गर एसिड हाइड्रोफ्लोरिक एसिड भले ही एक वीक एसिड कंसीडर किया जाता हो, पर इसकी एसिडिटी हमारे लिए काफी खतरनाक है। ये ग्लास और मेटल आइटम्स को आसानी से पिघला देता है। कोरोसिव लिक्विड होने के साथ साथ ये टॉक्सिक भी है। स्किन को तो ये पूरी तरह से जलाता ही है, प्लस अगर ये बॉडी में जाकर ब्लड कैल्शियम से रिएक्ट कर जाए तो हार्ट अटैक भी दे सकता है। खास बात यह है कि ये हमारे नर्व फंक्शन को डैमेज कर देता है, जिससे हमें इस बात का कोई एहसास ही नहीं होता कि हमारा शरीर जल रहा है। थोड़ी देर बाद जब कंडीशन सही होगी तब तक ये अपना काम कर चुका होगा। इसके लिए तुरंत मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए। वेल, इससे आगे हम जा रहे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स की तरफ। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड से 67,000 टाइम्स मोर स्ट्रॉन्गर और -1.4 एसिडिटी लेवल वाला नाइट्रिक एसिड काफी तीव्र नाशक एसिड है। आमतौर पर मिलने वाले नाइट्रिक एसिड में 68% तक वाटर होता है। इसे फर्टिलाइजर्स और प्लास्टिक्स में इस्तेमाल किया जाता है। इसका मेन यूज अक्सर कई एक्सप्लोजिव्स यानी विस्फोटकों में होता है। स्किन से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होने पर ये लिविंग टिश्यूज को डीकम्पोज करना शुरू कर देता है। इसके असर को कम करने के लिए आपको तुरंत पानी से 10 से 15 मिनट तक अपनी जली हुई खाल को धोना पड़ सकता है। नाइट्रिक एसिड से 70 गुना ज्यादा ताकतवर सल्फ्यूरिक एसिड ऑर्डरलेस, कलरलेस और सिरप जैसा दिखने वाला लिक्विड है। केमिकल इंडस्ट्रीज में इसे भारी मात्रा में पैदा किया जाता है। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये एसिड आपको प्लेनेट वीनस के अपर एटमॉस्फेयर में भी मिल जाएगा, जहां सल्फर की बारिश होती है। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड बेहद खतरनाक होता है। वाटर से मिक्स करने पर यह काफी हीट रिलीज करता है। स्किन और मेटल के अलावा ये पत्थरों तक को डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से नष्ट कर सकता है। इसे अपने किसी भी बॉडी पार्ट से कभी टच ना होने दें, क्योंकि ये इरिवर्सिबल ऑर्गन डैमेज भी दे सकता है। नाइट्रिक एसिड से 1000 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग
हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा। कहने को तो ये सिंपल केमिकल लिक्विड है, पर आज इसे कई तरीकों से इस्तेमाल किया जाता है। फूड इंडस्ट्री से लेकर मेटल रिफाइनिंग में अक्सर इसका यूज होता है। इसका -6 का एसिडिटी लेवल साफ दर्शाता है कि ये आम जिंदगी का सबसे ज्यादा कोरोसिव एसिड है। हमारे पेट में मौजूद गैस्ट्रिक एसिड में भी ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, पर एक थिक पॉलीमर लेयर की वजह से ये बाहर नहीं निकलता, वरना हार्ट बर्न और पेप्टिक अल्सर जैसी समस्याएं भी आ सकती हैं। कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड की धुंध भी ह्यूमन टिश्यूज और रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को डैमेज कर सकती है। वेल, अभी हमारी लिस्ट खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अब जो एसिड्स आपके सामने आने वाले हैं वो अक्सर इस्तेमाल में देखने को नहीं मिलते, बल्कि लैब एक्सपेरिमेंट्स में इन्हें देखा जाता है। इन्हें सुपर एसिड्स का नाम दिया गया है, क्योंकि अब इनकी कंसंट्रेशन इतनी ज्यादा हो जाती है कि नॉर्मल पीएच स्केल भी यूजलेस हो जाता है। इन्हें हैमेट एसिडिटी फंक्शन के स्केल पर नापा जाता है, जितनी कम इसकी वैल्यू उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड। परक्लोरिक एसिड एक बेसिक और नॉर्मल सुपर एसिड है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से लगभग 2 करोड़ गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यस, आपको भले ही यकीन ना हो, पर ये सुपर एसिड्स बिना पानी के ही प्रोटॉन रिलीज कर देते हैं। इसे अक्सर रॉकेट फ्यूल में इस्तेमाल किया जाता है। ये लकड़ी, प्लास्टिक और मेटल के साथ हाईली रिएक्टिव है और अक्सर एक्सप्लोजिव मिक्सचर्स बना लेता है, इसीलिए इसे इंडस्ट्रीज में भी इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसका हैमेट एसिडिटी लेवल -13 का है। इससे भी 100 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है ट्रिफ्लिक एसिड। प्योर सल्फ्यूरिक एसिड से ये 1000 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसे केवल रिसर्च एक्सपेरिमेंट्स के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। ये स्किन बर्न और टिश्यू डैमेज तो करता ही है, प्लस इसे सूंघना भी जानलेवा साबित हो सकता है। फ्लोरोबोरिक एसिड इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जिसे अक्सर वाटर और कई और सॉल्वेंट्स के सॉल्यूशन में रखा जाता है। कई तरह के केमिकल स्पीशीज से बने होने के कारण इसकी एसिडिटी ठीक तरह से पता नहीं की जा सकती। ये एसिड भी कुछ खास तरह के केमिकल रिएक्शंस में ही इस्तेमाल होता है। ये वाकई में काफी टॉक्सिक होता है और बड़ी आसानी से ग्लास मटेरियल को खत्म कर देता है। कार्बोरेन एसिड्स सुपर एसिड्स की ही एक क्लास है, जहां मौजूद सुपर एसिड्स ट्रिफ्लिक एसिड से करीब 1000 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। इनकी हैमेट एसिडिटी -18 से कम की रहती है। साल 2004 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में इसे सबसे पहले डिस्कवर किया गया। इस एसिड का कोई इंडस्ट्रियल यूज नहीं है, बल्कि इन्हें बस केमिकल सिंथेसिस में ही यूज किया जाता है, जो इतना आसान भी नहीं होता। खास बात यह है कि बाकी एसिड से हटकर ये काफी स्टेबल होता है। एक बार रिएक्ट करने के बाद ये दोबारा रिएक्ट नहीं करता। फिलहाल इन एसिड्स को सिंथेसाइज करना काफी लंबा और डिफिकल्ट प्रोसेस बना हुआ है। वेल दोस्तों, अभी हमारा सफर खत्म नहीं हुआ है। कार्बोरेन एसिड से भी लाख गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड हम इंसानों द्वारा बनाया जा चुका है। साल 1927 के दौरान केमिस्ट जेम्स कॉनेंट ने जब दो एसिड्स को एक साथ मिक्स किया तो उन्हें कई लाख गुना ज्यादा एसिडिक सॉल्यूशन मिला, जिसे तब सुपर एसिड का नाम दिया गया। इसके बाद साल 1960 में मैजिक एसिड को बनाया गया, जिसमें फ्लोरोसल्फ्यूरिक एसिड और एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड, इन दो केमिकल लिक्विड्स को मिक्स किया गया। इसका -23 का हैमेट एसिडिटी लेवल इसे हाईली एसिडिक बनाता है। बिना फेस शील्ड और फुल फेस रेस्पिरेटर के आप इसके पास भी नहीं जा सकते। आम इंसानों के अलावा ये एक्वेटिक लाइफ यानी पानी में रहने वाले जीवों के लिए भी काफी टॉक्सिक है। सो फाइनली अब हम आ चुके हैं अभी तक के खोजे गए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर एसिड की ओर। मैजिक एसिड से भी 1 लाख गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और सबसे ज्यादा एसिडिटी वाले फ्लोरोएंटीमोनिक एसिड का हैमेट एसिडिटी लेवल सबसे कम -28 का है। हाइड्रोजन फ्लोराइड और एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड से बना हुआ ये केमिकल कंपाउंड वर्ल्ड्स मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। पानी के कॉन्टेक्ट में आते ही ये एक्सप्लोजन करता है, इसीलिए इसे हाइड्रोफ्लोरिक एसिड सॉल्यूशन में यूज किया जाता है। कॉन्टेक्ट तो दूर की बात, इसकी हाईली टॉक्सिक वेपर्स ही जानलेवा साबित होती हैं। इसका यूज केवल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सिंथेसिस और कैटालिसिस में ही होता है। ये एसिड उन सभी मटेरियल्स को खत्म कर देता है जिसके कॉन्टेक्ट में ये आता है। इसे केवल और केवल पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलीन यानी टेफ्लॉन मटेरियल में ही रखा जा सकता है, जहां नॉन स्टिक कोटिंग उसे बचा लेती है। ये एसिड 100% सल्फ्यूरिक एसिड से 20 क्विंटिलियन टाइम्स मोर स्ट्रॉन्गर है। तो दोस्तों, आई होप कि आज के इस वीडियो के जरिए आपको उन सभी एसिड्स के बारे में पता चल गया होगा जो अक्सर हमारी किताबों में नहीं बताए जाते। सुपर एसिड्स के बारे में ये वीडियो आपको कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताएं, और अगले वीडियो के लिए टॉपिक भी सजेस्ट करें।
सो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। तो मैं मिलूंगा ऐसे ही किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। जय हिंद।